दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है वाई फाई स्टडी जोन में। मध्य प्रदेश का पहला पेपर एमपी बोर्ड का पहला पेपर सेकंड पेपर सोशल साइंस का हम दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसा इजी आया था, अच्छा आया था, मॉडरेट पेपर था। आप सबको देखना है इसमें क्या करती है क्या नहीं, मैं सब एनालिसिस आप कर कर बताऊँगा। ये फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर है सोशल साइंस, फर्स्ट मैथ्स का था, सेकेंड सोशल साइंस। आप देखिए सोशल साइंस का पेपर आपको कैसा रहा। एमपी बोर्ड 2019 सोशल साइंस पहला था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मानव जनजाति आपदा है, मानव जनजाति आपदा क्या है, तो मानव जनजाति आपदा है सड़क दुर्घटना, ठीक है। भारत चीन युद्ध हुआ था, तो भारत चीन युद्ध कब हुआ था, 1962 में हुआ था भारत चीन उत्पाद। कृषि क्षेत्र का सम्मिलित है, तो कृषि क्षेत्र किस में, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये वाला आया था, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था। संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में का महत्वपूर्ण स्थान है, किसका महत्वपूर्ण स्थान है ये बताना है। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान किस भारतीय राज्य का है, तो एमपी का है। दिल्ली की जनता ने को भारत का सम्राट घोषित किया था, किसको किया था, जफर उनको किया था, है ना, जो एक राजा थे दिल्ली के। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के अध्यक्ष थे, कौन सी संविधान सभा के कौन से अध्यक्ष थे, को समाजवाद का जनक माना जाता है, किसको समाजवाद का जनक माना जाता है ना। इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर देखो आप, हैज इंपॉर्टेंट प्लेस इन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, सोशल स्टेट ऑफ इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द पोर्शन प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन। कौन सा स्टेट का, कौन सा इंडिया में कौन सा रैंक है, कौन सी फर्स्ट रैंक किसकी है, मतलब पीपल ऑफ दिल्ली प्लेस किंग ऑफ इंडिया, किसको किंग ऑफ इंडिया बनाया था। बाबा अंबेडकर वाज चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब संविधान सभा के अध्यक्ष कौन से, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। नीचे देखो, एक शब्द वाक्य में कितने अच्छे आए थे। भारतीय रेलवे विषय में अब किस नंबर की रेल प्रणाली हो गई है, ठीक है, दो दूसरे नंबर की है रेल विश्व में, है ना। भारत में मौलिक अधिकारों के संरक्षक कौन थे। नगर पालिका नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों निर्वाचित प्रतिनिधियों को क्या कहते हैं। मानव विकास सूचकांक में गणना के आधार पर की जाती है, कोई एक लिखिए, ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है ना। इंग्लिश में वर्ड वर्ड देख लीजिए आप, ये देखिए वन वर्ड, व्हाट इज द पोर्शन ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में कितनी रैंक है इंडिया की, हो जा प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडिया, ठीक है। और बाकी के सारे क्वेश्चन, वेन नेशनल कंज्यूमर डे है ना, ये ऐसे आए थे। सत्य असत्य देखो, ट्रू फॉल्स में जल्दी से, ट्रू फॉल्स आए थे। लोकसभा को उच्च सदन कहा जाता है कि निम्न सदन कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताओ, लोकसभा को कहा जाता है या राज्यसभा को कहा जाता है, ये आपको बताना है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है ना, कि भारत का विश्व में प्रथम स्थान है क्या जनसंख्या की दृष्टि में, गलत है, प्रथम स्थान चीन का है, तो ये रॉन्ग हो गया ना। ये उत्पादक कार्यों में पूंजी लगाने के विनियोग कहा जाता है। स्वर्ण भूषणों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चीन हॉलमार्क कहलाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, बताओ इसमें सही गलत लगाने थे, मतलब ट्रू या फॉल्स, ये आपको लगा दिए होंगे आपने ट्रू फॉल्स। आगे देखो, मैच द फॉलोइंग मैच में देखो, आकाशवाणी, आकाशवाणी क्या है बताना, आकाशवाणी, ठीक है। उसके अलावा स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का क्या, रामकृष्ण मिशन है ना। चरण पादुका गोलीकांड, गोलीकांड कब हुआ था ये बताना है। परिवहन एवं संचार, परिवहन संचार कौन सा क्या है ये बताना है, ठीक है। सीमेंट का कारखाना, सीमेंट का कारखाना कहाँ है क्या है ये बताना है आपको, है ना, ये तो आप कर गए होंगे। 1857 के स्वतंत्र संग्राम का तत्कालीन कारण क्या थे, तत्कालीन कारण बताना है भाई, तत्कालीन कारण वही थे, वो उन्होंने वो खा लिए थे, मतलब क्या वो खाया था ना, उसका नाम क्या बोलते हैं, गाय मांस की चर्बी थी उसमें यार, है ना, बम विस्फोट जो उनका कारतूस थे उसमें गाय और सूअर की चर्बी थी, इस कारण उनकी भावना आहत हो रही थी हिंदू मुस्लिम की, है ना, ये कारण से नील की खेती कारण था, ये सब कारण थे तत्कालीन कारण। ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत साधनों के नाम बताइए, नेम ऑफ द रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ पावर, ठीक है। उपभोक्ता के क्या कर्तव्य कोई दो लिखिए, व्हाट इज द ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर एनी राइट एनी टू, ठीक है, ये लिखना था कर्तव्य कोई दो, ठीक है। अधोसंरचना के प्रकार लिखिए, अधो राइट द टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लॉर्ड कर्जन के शासन की कौन सी नीति अपनाई थी, शासन की कौन सी, फुट डालो राज्य करो की नीति अपनाई थी गहलोत कर्जन ने। अधिकार क्या है, अधिकार एकाधिकार क्या है ये बताना है, मोनोपोली सी, ठीक है। शासकन समझौते की शर्त लिखनी थी, बाढ़ नियंत्रण के कोई दो उपाय लिखने थे, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से, ये लो, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये 7-8-9 क्वेश्चन हो गए। इधर देखो 10वां क्वेश्चन, उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है, व्हाट यू मीन बाय कंज्यूमर एक्सप्लोजन। बाजारबारी किसे कहते हैं, व्हाट इज अ ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी मतलब किसे बोलते हैं। मध्य मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है ये समझाओ। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ सॉइल इन ह्यूमन लाइफ एक्सप्लेनेशन, देखो इसमें ऑप्शनल भी दिए,
है, वनों का संरक्षण क्यों कहा जा किया जाता है, ये देखो बहुत बढ़िया आवश्यक है। भारतीय शासकों में असंतोष के कारण क्या थे, असंतोष क्यों थे भारतीय शासकों में, ये भी बताना था। कोई तीन कारण लिखने थे इसके कारण से, ब्रिटिश रूलर के हिसाब से, ठीक है। एनी थ्री रीजन, भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारण लिखिए, देखो हिंदी में ये मिसप्रिंट है, ठीक है। भारतीय शासकों में असंतोष के कारण, ये मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट, बहुत बड़ा मिसप्रिंट, देखो। और इंग्लिश में सही है, ब्रिटिश रूलर दे रखा है इंग्लिश में, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, बट हिंदी में मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 12 में मिसप्रिंट था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 मिसप्रिंट है, देखो है ना, ये ध्यान से देखना। भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारण लिखना था, है ना, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो, उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, व्हाट वेयर द रीजन ऑफ द राइज ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म, ठीक है। असहयोग आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, असहयोग आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कितना था। प्राकृतिक आपदाओं के लिए वनों का विनाश उत्तरदायी है, क्या यहाँ सच है, ठीक है। परिवहन के साधन मानव सभ्यता के पथ प्रदर्शक कैसे लिखिए, भारत के नागरिकों मौलिक अधिकारों का वर्णन करना था। समाजवादी अर्थव्यवस्था के कोई चार गुण लिखने हैं, राइट फॉर मेरिट्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, है ना। इंग्लिश में सही था क्वेश्चन, बस क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ी मिसप्रिंट थी, वो हिंदी मीडियम में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की कोई चार विशेषता लिखनी है, संघात्मक शासन प्रणाली की कोई चार विशेषता लिखो, भारतीय संविधान की कोई चार विशेषता लिखनी है ना। भारत में लोहा उत्पादन क्षेत्रों के विवरण का वर्णन करना है, रबी और खरीफ की फसलों में कोई पाँच अंतर स्पष्ट करना है, भारत का आणविक शक्ति के रूप में विकास किस प्रकार हुआ समझाइए, है ना। अब देखो, 9 जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए कोई चार उपयोग, ये तो सही है यार, क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के चार उपयोग बताओ, ये परिवहन नियोजन अपनाओ, है ना, वो सब चीज़ें लिखना था इसमें। मादक पदार्थ का शरीर पर क्या प्रभाव है, पाँच लिखने, ये भी बहुत ईजी था। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का वर्णन करना था, ठीक है। स्वतंत्र संग्राम के इतिहास में 1929 लाहौर में अधिवेशन का क्या महत्व है, ये भी लिखना था। सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए किन प्रयासों का वर्णन करना है, ये लिखना है। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने के क्या कारण थे, कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन चलाया उन्होंने, इसका रीज़न भी लिखना है, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, भारत के मानचित्र निम्नलिखित क्वेश्चन बताइए। अब देखो, ये देखो मैप ऑफ इंडिया में आपको क्या क्या बताना है, अरविंद सी बताना है, मुंबई बताना है, चेन्नई बताना है, दिल्ली बताना है, और धार का मरुस्थल, थार दर्श रिजल्ट बताना है, ठीक है। जल्दी देखो, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना था, आराम से दर्शा सकते थे कि दिल्ली इधर है, चेन्नई इधर है, मानचित्र वो पीछे दे रखा है, मैं बताऊंगा। या फिर उसके और में ये था कि मानचित्र में आप ये भी दर्शा सकते हैं, डिजायर हेल मिस्ट है ना, फुहर ओला, ओला कहाँ गिरता है, फुहर कहाँ, कुहासा, धीर, समीर, मांझा, है ना, ये मौसम, मौसमी दशाओं को दर्शाना था, कैसे आपको दर्शाना है, किस में दर्शाना है, वो मानचित्र इधर है पीछे इसमें, ठीक है, इसमें आपको सब दर्शाना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करो, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तरदायी कारणों का वर्णन क्या है ना। भारतीय प्रजातंत्र की सफलता का पाँच, ठीक है, मुख्यमंत्री के पाँच कार्य लिखो, तो दी फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, है ना, कौन है आपका चीफ मिनिस्टर, कमलनाथ जी है। व्यवस्थापिक के कोई पांच कार्य लिखिए, राइट एनी फाइव फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। व्यवस्थापिका, देखो यहाँ पर विधानसभा पार्लियामेंट आती, ठीक है, थोड़ा सा। उत्तरदायी दल की कार्यविधि है, राष्ट्रपतिवादी दल की कार्यविधि थे प्रकार बताओ, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य बताने थे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा क्वेश्चन थे, अच्छे थे, आपने सबने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन आया था। भारत की बेरोजगारी दूर करने के लिए उपायों का वर्णन करो, तो उपाय क्या क्या हो सकते हैं ये बताना है आपको। आतंकवाद का समाज पर क्या ये बहुत रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन 5-6 बार पिछले साल की था, ये रिपीट क्वेश्चन आए हैं, तो आप तो कर क्या गए होंगे, आतंकवाद का प्रभाव समाज पर क्या पड़ता है ना, ये बहुत टाइम पे क्वेश्चन है, आपको करना है। और ये वाले ऐसे देखो, ऐसे था आप करके आए होंगे आतंकवाद पे क्वेश्चन, तो अच्छा था, पेज भर के आ जाते बस यार, आतंकवाद अब चल रहा है, आराम से करते तो अच्छे नंबर मिलेंगे। देखो पेपर अच्छा था, बहुत अच्छा था, सबको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप सोशल ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये इसमें दर्शाना था, वो जो मौसमी हवाएं या फिर आपने थार मरुस्थल ये सब करा होगा तो। ओके दोस्तों, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा सीबीएसई का।